बोलो सतगुरु भगवान की जय। कोई भी धर्म कार्य करने से पहले श्री हरि ब्रह्मा तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को याद अवश्य कर लेना। इसके तत्पश्चात इत्यादि देव ऋषि पित लोगों को गलती से मत भूलना। जब कोई धर्म का कार्य करते हो ग्रस्त वासियों से मैं कहना चाह रहा हूँ, ग्रस्त लोग जो है, जो ग्रस्त का भार अपने कंधों में रखे हैं, हम उन्हीं को कहने चाह रहे हैं कि कभी भी कोई भी जब धर्म का कार्य करें तो वो आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा भाव अपने पास रखें। कितना भी बड़ा धर्म का कार्य हो, ऐसा करें कि मेरे हरि हमसे करा रहे हैं, हमारे से गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, और वही करता धरता है, हमें तो आगे कर दिया है एक धोखा बना करके। ऐसा अपने आप को ना करता समझे, करता धरता वही है। और उस समय सभी को बुलाएं, प्रेम पूर्वक आह्वान करें, है ना, ऐसा भाव रखें। धर्म का कार्य ऐसा ना समझें कि हम कर रहे हैं, हम ही सब कुछ करने वाले हैं, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा भाव ना लाएं। हम मनुष्य मात्र स्वरूपी हैं, ये आपको पता है। स्वरूपी क्यों है? क्योंकि ये शरीर जो है उसकी तीन ही गति है, गाड़ दोगे तो मिट्टी हो जाएगी, जला दोगे तो राख हो जाएगी भस्म, और कोई जानवर खा जाएगा तो मिष्टा। इसकी कोई गति नहीं है, ठीक है। पवित्रता भाव रखो शरीर में, हम ये नहीं कह रहे वस्त्र पहरो सब कुछ, पर अहम भाव उसमें व्यक्तित्व ना हो किसी भी चीज में, ना कर्म में हो ना ईश्वर में हो, किसी भी चीज में ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना है। कोई मन बुद्धि के द्वारा किसी महापुरुष की अवहेलना, मजाक, हंसी, अशब्दावली का प्रयोग ना करें। कहने का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा अहम भाव आ जाता है तो हम महापुरुष को भी, ब्रह्म ज्ञानियों को भी, देव देवताओं को, ऋषियों को, गंधर्वों को, और किसी को भी हम आंक देते हैं, तो ऐसा ना करें। हम जहां भी रहते हैं भगवान श्री हरि की ही शरण में रहते हैं, हम अपने गृहस्थ में भी रहते हैं तो उन्हीं का घर है हमारा, हम किराया देते हैं, भगवान हमको घर दे देते हैं, पर उन्हें दिया तो तुम्हारे लिए है, पर हम उन्हीं के घर में रहते हैं। जन्म से लगा के मृत्यु पर्यंत तक जहां भी हम, जिस भी स्थान में रह रहे हैं, वो भगवान के ही शरण में रह रहे हैं, ऐसा भाव रखें। और भगवान किसी भी दिन निकाल देंगे। अगर अहंकार आएगा, पता है कि जहां अहंकार है, मत है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, तो भगवान वहां नहीं रहते। तो सत्य रूप से गृहस्थ की जो दिनचर्या है वो सनातन रूप से चलाएं। मनुष्य जीवन में भक्ति, धैर्य और सरलता से ही चलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर भक्ति है, धैर्य है और सरलता है, ये सबसे बड़ा धन है। और ये नहीं है आपके अंदर वैभव है इत्यादि भगवान ने दे दिए, पर वो रूखा टाइप का जीवन हो गया। इतने धैर्य बन जाओ, इतने सरल बन जाओ, इतने ठंडे बन जाओ, संसार की कोई वस्तु आप पर प्रभाव ही न डाल पाए, पर ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? चलो कोई बात नहीं, ढोंग धर्म युक्त करो, चलो ये भी अच्छी बात है। कभी कभी हम आजकल संसार में देख रहे हैं कि ढोंग बहुत हो रहे हैं, और वो स्वार्थ भाव से हो रहे हैं। ढोंग करना भी है तो अपने धर्म के लिए कर लो थोड़ा, पर हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि ढोंग करो ना। ठीक है, आप वस्त्र धारण कर रहे हो, माला धारण कर रहे हो, तिलक धारण कर रहे हो, हम इसको ढोंग नहीं कहेंगे, ये भगवान की भक्ति के प्रारूप हैं, हम उनको धारण कर रहे हैं,
क्यों? उसमें चार आदमी क्या कहेंगे? अरे चार आदमी यही कहेंगे राम राम सत्य है, लास्ट में चार आदमी को मत डरो कभी भी। समाज में अगर धर्म की तरफ धारा प्रवाही होना है तो चार आदमी को बोलने दो, वो चार आदमी क्या बोलेंगे उनको बोलने दो, चलते जाओ। ढोंग धर्म युक्त करो, कामना युक्त नहीं। ये संसार जड़ वृक्ष है, असली फल श्री हरि चरणामृत में है, उसका स्वाद लो, आनंद लो, प्रेम से बैठ करके इस मनुष्य जीवन में आनंद ही आनंद है। आनंद कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता, बनिया की दुकान तो है नहीं, 4 किलो आनंद लेके आ जाओ और वश आनंदित हो लो। इस संसार में अगर आनंद लेना है तो श्री हरि की ही कीर्तन में है, श्री हरि गुणगान में है, हरि भक्ति में है, हरि भक्तों में है। भागवत स्वरूप खुद हो जाओ और तुमको सारा संसार भागवत स्वरूप ये दिखेगा। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये रही बात। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।